हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम शुक्र के साथ आप खैरियत से होंगे। तो हमें जी आज फिर किसी ने अफ्तारी भेजी है, मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। ये पचीर पास्ता है, बहुत ही नाइस और डिलीशियस है जी। जी हमें किसी ने भेजा है, बहुत ही अच्छा है। ये देखिए ये चीज़ पास्ता है और साथ में ये वाली चीज़ें हैं जी, कुआब है, ये समोसे हैं और ये चीज़ें पास्त्री है। ये देखिए इसमें मीट भी है, ये पास्त्री है जी। हमें किसी ने भेजा था अफ्तारी के लिए आज, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, बहुत ही नाइस है। मैंने कहा चलो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छा है, अभी मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। ये देखिए अभी अफ्तारी में आधा घंटा रहता है तो मैंने कहा चलो आपको दिखा दीजिए। देखिए अंदर से माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा लुक आ रहा है इसका। इसमें आलू है, आलू की पेस्ट्री बनी हुई है, इसमें चिकन है सारा। इतने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद ज़्यादा स्पाइसेस इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। और साथ में ये कुआब भी है, ये देखिए माशाल्लाह कुआब भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए ये सात कुआब हैं और साथ में ये समोसे हैं। ये देखिए ये मटर वाले समोसे, कीमा मटर वाले और साथ में रोल्स हैं जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने कहा चलो जी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर कर लेती हूँ। ये देखिए साथ में उन्होंने फिर मीठा भी भेजा है, ये खीर है, जैसे ना सेवइयों वाली खीर है वो है फिर नहीं जिसको बोलते हैं। वे देखिए बहुत ही नाइस इसका टेस्ट है, बहुत ही नाइस है। हम रोज़ा अफ्तारी करेंगे इस चीज़ों के साथ। तो व्यूअर्स मैंने कहा कि ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही नाइस इनका टेस्ट है। ये देखिए ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। ये देखिए ये फिरनी है और ये वाली ये पास्ता है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। इसमें नीचे चिकन भी है, पास्ता भी है, बहुत नाइस इसका अच्छा सा लुक आ रहा है। ये देखिए व्यूअर्स मैंने कहा आप लोगों को साथ ही सारी चीज़ें शेयर कर लेती हूँ। तो आप भी मुझे दुआ में याद रखना, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, मुझे अपनी दुआ में हमेशा मेरी दुआ में हमेशा रहते हैं। तो अल्लाह पाक आप जहाँ जहाँ हैं खुश रहे, बात रहे। इस दुआ के साथ आज ही ख़त्म करती हूँ कि किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत सोचिए। और सबका बहुत ख्याल रखें, खासतौर अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।